आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यही सर जी, बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लगता है? इससे पहले आप मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से पहले बता चुके हैं कि 2022 में कॉटन काफी अच्छा रिटर्न देता नजर आ सकती है, लेकिन बात करें यहाँ से अगर अभी हाल फिलहाल की दिसंबर तक की, तो दिसंबर में कॉटन के क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, कॉटन मुझे लगता है व्हाइट गोल्ड की कैटेगरी में आ गया। अच्छी खासी रैली हमने कॉटन के प्राइसेस में पिछले कुछ समय में आते हुए दिखा है। इनफैक्ट अगर हम कॉटन सीड ऑयल के दोनों की बात करें तो अच्छी खासी रैली थी। अगर परसेंटेज तक की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन के अंदर जनवरी से लेकर अभी तक 53% की तेजी हमने बनते हुए देख चुके हैं एज ऑफ नाउ। दिसंबर मंथ में अराइवल प्रेशर है, जिसकी वजह से बार बार में प्राइजेस के अंदर थोड़ा बहुत गिरावट आ रहा है, जो 30,000 का एक बेस बनाता हुआ दिख रहा है। जिस ढंग से जीएसटी की रेट्स में रिविजन बताया जा रहा है, उसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी डिमांड थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, रिजल्टेंट हम 30,000 तक का लेवल एक बार देखते। बट अभी भी अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करें तो एंड स्टॉक काफी कम है, डिमांड में इंप्रूवमेंट है, टेक्सटाइल डिमांड कंटिन्यू मेंटेन है, और जिस ढंग से अभी सदर्न पार्ट में हमने हैवी रेनफॉल देखा है जिसकी वजह से काफी डैमेजेस भी रिपोर्ट हुई है, तो आई थिंक ये सारे कॉम्बिनेशन है वो कॉटन को अगले 3 महीने के लिए अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूट बनाता है अच्छे रिटर्न्स के लिए। दूसरा, क्रूड की तेजी की वजह से जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, पॉलिस्टर या मैन मेड फाइबर होते हैं, वो कहीं ना कहीं कॉस्टली हो जाते हैं, तो कॉम्पिटिटिवनेस कॉटन में भी आई जाती है। तो आई थिंक प्राइजेस में एक दिसंबर मंथ मुझे लगता है थोड़ा साइडवे हो सकता है, 30,000 का बेस बनाता हुआ दिखाई दे। बट अगर कोई मार्च तक की व्यू लेकर चलते हैं तो आई थिंक वापस ये 34,000 का लेवल तोड़कर 38,500 तक का भी लेवल दिखाने की ताकत रखता है। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि थोड़े पुल बैक के बाद कॉटन को लेके ही चलना चाहिए। जी, तो यानी कि कॉटन अब धीरे धीरे, इनफैक्ट अब शुरू ही हो चुकी है कि व्हाइट गोल्ड के कैटेगरी में आ जाए, और आप बेहतरीन मुनाफा लेने के लिए तैयार भी रहे कॉटन में लॉन्ग टर्म के लिए।